दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि भाई कोई एक ऐसे कैमरे एप्लीकेशन के बारे में बताइए जिसमें हमें बहुत सारे फीचर्स और अगर मेरे फोन में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं है तो भी हम अपना पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैसे क्लिक कर सके, कोई ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसके बारे में बहुत पहले बता देता, प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन उठाता और आपको बता देता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं आपको कुछ नया, कुछ यूनिक देना चाहता हूँ कॉन्टेंट, तो इसलिए कुछ इसमें टाइम लग गया इस एप्लीकेशन को ढूंढने में, कोई अच्छा सा एप्लीकेशन मुझे ढूंढने में जो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप जो बोलते हैं वही मैं आपको आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट के करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप इस ट्रिक को अपने फोन में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में घंटे का आइकन आ जाएगा, तो आपको इस घंटे को दबाकर यहां से ऑल पे सेट कर देना होगा दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर आपको एक कॉमेंट करना होगा जैसे कि नाइस, ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो हमारा व्यू देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक कॉमेंट कर दें, मैं आप सभी का कॉमेंट पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता और उसे हट देता हूं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप इस फोन का ऑफिशियल कैमरा देख लीजिए कि कैसा है। ओके, यहां पर मैंने इस फोन का ऑफिशियल कैमरा ओपन कर दिया है, आप इसके क्लियरिटी को देख सकते हैं कि ये कितना क्लियर जो है वो आ रहा है। ओके, अब उसके बाद यहां पर मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। और करने के बाद यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का क्लियरिटी देख लीजिए और आपको इन दोनों कैमरा में बहुत ज़्यादा फर्क पता चल जाएगा, इसमें कितना कमाल का, कितना बेटर फोटो आ रहा है, बिल्कुल मक्खन टाइप का, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर आप देख सकते हैं। और इसमें आपको और भी बहुत सारे सेटिंग मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने फोटो का और भी ज़्यादा क्वालिटी जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चलिए और इसके हम परफॉर्मेंस की बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाले आइकन पर टैप करते हैं, ओके, जैसे कि यहाँ पर ए वाले आइकन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप अपना पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लैंडस्केप में फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नाइट मोड में फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नाइट पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप रात में अगर पोर्ट्रेट मोड का फोटो क्लिक करना चाहते हैं, जैसे कि रात में भी फोटो क्लिक कर रहे हैं तो बैकग्राउंड जो ब्लर हो जाए तो वो भी आप इसमें फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर थिएटर, बीच, स्नो का भी ऑप्शन मिल जाएगा, सनसेट में अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं HDR में फोटो क्लिक तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडल लाइट जैसा आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लास्ट में आपको HDR का मोड मिल जाएगा तो आप इसमें फोटो क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सारा फिल्टर्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे HDR में, यहाँ पर टाइम सेट करने का तो इसमें और भी सेटिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेटिंग वाले आइकन, तो इसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा सेटिंग करना है जिससे कि आप अपने इमेज क्वालिटी को और भी ज़्यादा कमाल का बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज क्वालिटी का ऑप्शन है तो सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको इसे 100% कर देना है। ओके, इमेज क्वालिटी हो गया। अगर आप इस एप्लीकेशन से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको एक सेटिंग कर देना है जिससे कि आपका वीडियो जो है बिल्कुल मक्खन टाइप का चले। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, FPS इसका बढ़ाना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं FPS, तो आपको क्या करना है, इसका 60 FPS आपको कर देना है, जिसके बाद आप जब भी इस एप्लीकेशन से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता इतना मक्खन टाइप का वो वीडियो रिकॉर्ड होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप एंटी सेक करना चाहते हैं, जैसे कि अगर कैमरे के आगे अगर सेल्फी ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे तो सेल्फी जो है ऑटोमेटिक जो है वो क्लिक हो जाएगा। ओके, फोकस असिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ओके, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको जूम आउट, जूम इन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं जूम कर रहे हैं तो यहाँ पर जरा सा भी फट रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर नोट 10 प्लस क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर A9 सैमसंग यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा अगर मैं जूम कर रहा हूँ तो है ना, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन।
तो ऐसा आपको सेटिंग, ऐसा कमाल का परफॉर्मेंस आपको नॉर्मल कैमरा में तो कभी भी नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको यह एप्लीकेशन अच्छा लगा तो इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर वहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके नॉर्मल कैमरा से ये कैमरा कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो का लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।